नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका स्टैंड प्रो ट्यूटोरियल्स की नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मैन्युअली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक बीम को, कैसे उसका शेयर फोर्स निकाला जाता है, कैसे बेंडिंग मूवमेंट निकाला जाता है। हम उस चीज पे आज हम बात करेंगे। हम पहले तो एक फिक्स्ड बीम लेंगे, उसको मैन्युअली हम कैलकुलेट करेंगे, हम लोड कितना है उस पर यूडीएल हम लगाएंगे और उसके बाद उसका शेयर फोर्स निकालेंगे, बेंडिंग मूवमेंट हम निकालेंगे, फिर सेम चीज को हम निकालेंगे स्टैट प्रो पे, फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों के रिजल्ट कैसे हैं, कैसे आप मैन्युअली निकाल सकते हैं और कैसे आप स्टैट प्रो पे निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूलाज उसमें हम पुट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको सीखना है अच्छे से मैन्युअली और स्टैट प्रो पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। हम टारगेट रखते हैं, आपकी बार मैं आज तक कोई टारगेट नहीं रखता हूँ वीडियोज पे लाइक करने का, तो हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस टाइप का कंटेंट आपके लिए डेली लाते रहें। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टैट प्रो के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम एक फिक्स बीम लेते हैं जिसे हम मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे और उसी बीम को हम स्टैट पर एनालाइज करेंगे और हम रिजल्ट में कंपेयर करेंगे, यानी कि हम क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमारा मैन्युअली मूवमेंट आया है या शेयर फोर्स आया है वो स्टैट में भी वही है। तो हम इसे बात को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, यानी कि जो हमारी मैन्युअली कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो हम एक स्मॉल टास्क करते हैं। तो हमने अभी देखिए यहाँ पर एक बीम लिया है। बीम जो है हमारा वो 5 मीटर का है और उस पर लोड जो है वो 12 किलोन्यूटन पर मीटर आ रहा है और हमने एक एज्यूम किया है जो हमारा सेक्शन है वो 450x250 mm का है, ये mm है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो लोड कैलकुलेशन में सेल्फ वेट ऑफ बीम, तो सेल्फ वेट ऑफ जो बीम होता है वो होता है भाई जो उसकी डेप्थ है, विर्थ है, इनटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो डेंसिटी हमने 23.5 कंसिडर की है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और 0.25 ये mm में है तो इसे मीटर में लिखा है, 0.45 इसे मीटर में कंसिडर किया है। तो हमारे पास जो सेल्फ वेट ऑफ बीम जो निकल कर आया है वह है 2.64 किलो न्यूटन पर मीटर और जो हमें गिवन लोड है वो 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड गिवन है हमें। इट्स अ यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे हमारा कोई वॉल लोड कैलकुलेशन में आपका ब्रिक वॉल का 9 इंच का लोड कैलकुलेट करेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे कि भाई वॉल का लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें एक गिवन है कि ये 12 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड इस पर आ रहा है। सो हम टोटल लोड की जहां बात करते हैं तो टोटल लोड क्या होगा, 12 प्लस 2.64 इज इक्वल टू 14.6 किलो न्यूटन पर मीटर। 14.6 किलो न्यूटन पर मीटर, ये एक फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है जिसके कॉर्नर पे जो मोमेंट है वो WL²/12 होता है, WL²/12, और मिड पे WL²/24 होता है, यानी कि इन दोनों का हाफ होता है। या आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं किस तरीके से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाकर, ओके, या इसे बीम को सिंपली सपोर्टेड में और फिक्स बीम में ब्रेक करेंगे आप, तो वहाँ से ये मैनुअली भी कैलकुलेट होता है। बाकी हमें अभी क्रॉस चेक करना है, तो आपको ये याद रखना है कि फिक्स बीम के जो कॉर्नर पे, यानी कि फिक्स एंड पे जो मोमेंट होता है वो WL²/12 होता है, मिड पे WL²/24 और WL²/12। तो मोमेंट ए की बात करें हम और मोमेंट भी दोनों बराबर हैं, तो WL²/12 और W की वैल्यू हमारी है 14.6 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 5 मीटर, क्योंकि हमारा जो स्पैन है वो 5 मीटर का है, यहाँ स्पैन दे रखा है ये 5 मीटर का है। तो जो हमारा मोमेंट कैलकुलेट होकर आया है वो करा है 30.4 किलो न्यूटन पर मीटर। और अगर हम बात करते हैं एमसी मोमेंट की, तो एमसी मोमेंट हमारा है यानी कि जो मिड का मोमेंट है पॉइंट, तो WL²/24 14.6 × 5 × 5/24 = 15.2, या आप इसका हाफ भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। सो जो मोमेंट कैलकुलेट होकर आया है वो है 15.2,
उसके बाद हम शेयर फोर्स की बात करते हैं, तो शेयर फोर्स हमारा कितना होता है कॉर्नर पे, डब्ल्यू एल बाई टू और यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू। सो शेयर फोर्स एट ए ऑफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू, और डब्ल्यू की वैल्यू हमारी है 14.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 36.5। सो हमारे पास जो 36.5 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स है और जो मोमेंट आ रहा है हमारे पास वह आ रहा है 30.4 और 15.2 एट मिड। अब बात करते हैं अगर हमारे पास सेल्फ वेट हमारे पास कितना, अगर हमारे पास सिर्फ हम कैलकुलेट करते हैं सेल्फ वेट से, तो जो मोमेंट आता है वो 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर आया है, क्योंकि सेल्फ वेट से जो बीम है हमारा तो 2.64। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल्फ वेट दे रखा है बीम का, हमने जो कैलकुलेट किया है वह 2.64, तो उसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, सो बेंडिंग मोमेंट कितना रहा है 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और जो मिड पे मोमेंट आ रहा है 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर। फिर आते हैं हम बात शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स एट ए और बी डब्ल्यू एल बाई टू 2.64 इंटू 5 डिवाइडेड बाई टू 6.6 किलो न्यूटन, यानी कि जो सेल्फ वेट का जो इफेक्ट है वो कॉर्नर पर जो मोमेंट दे रहा है वो 5.5 का, और मिड में जो मोमेंट आ रहा है 2.75 किलो न्यूटन पर मीटर का, और जो हमारी शेयर फोर्स है वह है 6.6 किलो न्यूटन। ओके सो गाइज, जब हम ओनली सेल्फ वेट लेंगे बीम पे, जब हम स्टैट प्रो में एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ अगर सेल्फ वेट लेते हैं बीम का, तो हमारा जो मोमेंट है वो 5.5 आना चाहिए और 2.75 के इक्विवेलेंट आना चाहिए, और शेयर फोर्स 6.6 किलो न्यूटन पर मीटर। अगर हम उसमें UDL भी कंसिडर करते हैं तो UDL के करस्पॉन्डेंस जो हमारा शेयर फोर्स है वो 36.5 किलो न्यूटन आना चाहिए, और जो मोमेंट है हमारा वो 30.4 आना चाहिए। सो हम इस प्रॉब्लम को हम स्टेट में एनालिसिस करके चेक करते हैं कि भाई हमारे जो मैनुअल कैलकुलेशन है उसे सेटिस्फाई होते हैं या नहीं हम। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेट में। सो फ्रेंड्स, मैं आपको मैनुअली कैलकुलेशन बता चुका हूँ किस तरीके से हमने मैनुअली कैलकुलेट किया है और क्या क्या हमारा मोमेंट और शेयर फोर्स विद करस्पॉन्डेंस टू लोड आया है। अब हम इसी टास्क को हम स्टेट प्रो में करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कोई भी अगर हमें टास्क परफॉर्म करना होता है तो हमें क्लिक करना होता है न्यू प्रोजेक्ट पे, फिर हम क्लिक करते हैं स्पेस पे, और जो भी हम टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे फिक्स बीम डिज़ाइन करना है तो हमने यहाँ पे फिक्स बीम एनालिसिस, ओके ये एक लोकेशन का टैब है। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि भाई जहाँ पे भी आपको फाइल सेव करनी हो वहाँ पर अपनी फाइल को आप सेव कर सकते हैं। लेंथ की यूनिट है हम मीटर लेंगे, क्योंकि जो हमारा बीम है वो 5 मीटर का है और जो हमारा फोर्स है वो किलो न्यूटन में है, सो हम कंसीडर यहाँ किलो न्यूटन करेंगे। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट करते हैं और क्लिक ऑन फिनिश करते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मीटर का एक बीम ड्रॉ करते हैं। 5 मीटर का हमने एक बीम लिया, यानी कि 0 पे क्लिक किया और 5 पर क्लिक किया। देन नाउ वी विल क्लिक ऑन जर्नल हेयर, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी हेयर, नाउ क्लिक ऑन डिफाइन हेयर, नाउ क्लिक ऑन रेक्टेंगल सेक्शन और गिव्स द वैल्यूज ऑफ डेप्थ, यानी कि जो हमारी डेप्थ ऑफ सेक्शन है वो 450 है और विड्थ हमारी 250। क्लिक ऑन ऐड हियर, क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, असाइन, यस। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इस तरीके से हम बीम का सेक्शन डिफाइन करते हैं। नाउ विल क्लिक ऑन सपोर्ट हियर, क्योंकि हमारा जो है बीम है वो फिक्स है, जो हम मैन्युअली कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये जो बीम है हमारा ये फिक्स बीम है, आप ये देखेंगे ये हमारा बीम फिक्स है दोनों तरफ से, तो हम फिक्स बीम एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो नाउ वी विल क्लिक ऑन क्रिएट हेयर, क्लिक ऑन ऐड हेयर, क्लिक ऑन सपोर्ट, क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस। नाउ क्लिक ऑन डोड एंड डेफिनेशन हेयर,
click on load case detail, click on add. Load type is dead load. मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ डेड लोड इज अ परमानेंट लोड होता है जो स्ट्रक्चर पे आता है। अभी फिलहाल हमें जो लोड दे रखा है वो 12 किलोन्यूटन पर मीटर का दे रखा है और सेल वेट। तो हम डेड लोड में जाएंगे, हम क्लिक ऑन ऐड हियर। तो सेल वेट हम कमांड क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन हियर मेंबर लोड। जो हमारा यूनिफॉर्म फोर्स दे रखा है वो दे रखा है 12 किलोन्यूटन पर मीटर। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम डालेंगे माइनस 12। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नाउ विल क्लिक ऑन ऐड हियर, क्लिक ऑन क्लोज, क्लिक ऑन सेल्फेट हियर, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, क्लिक ऑन यूनिफॉर्म फोर्स, क्लिक ऑन असाइन टू व्यू हियर, क्लिक ऑन असाइन, क्लिक ऑन यस। नाउ रन एनालाइज द स्ट्रक्चर, क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, एनालाइज, रन एनालाइज एंड क्लिक ऑन सेव। नाउ गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या डिस्प्लेसमेंट अगर देखना है तो हमें गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना है। क्लिक ऑन डन हेयर, क्लिक ऑन। सो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था अगर हमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर शो करना है तो हमें गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाना है। क्लिक ऑन डन हेयर, क्लिक ऑन बीम, क्लिक ऑन ग्राफ। सो हमारा जो एंड मोमेंट आया है 30.5 आया और 15.3, और ऐसे यहाँ पे 30.5 आया और 36.6 हमारे शेयर फोर्स आई है, -36.6। ये एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम है जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है। तो मैन्युअली कैलकुलेशन में हम देखेंगे जो UDL के साथ हमने कैलकुलेट किया है तो हमारा भी मोमेंट कितना रहा है 30.4, ओके 15.2 अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा आंसर। और अगर हम बात शेयर की करते हैं तो शेयर फोर्स हमारा आ रहा है WL/2 से 36.5 है। सो गाइज, यानी कि जो हमने शेयर फोर्स मैन्युअली कैलकुलेट किया था वो भी स्टेट ने बिल्कुल एक्यूरेट दिया है, ओके। सेकंड केस हमारा था कि जब हमारे पास सेल्फ वेट, सिर्फ सेल्फ वेट पर बीम को डिज़ाइन करना, सो हमारे जो इफेक्ट आ रहा है 5.5 किलोन्यूटन पर मीटर का, यानी कि जो एंड मोमेंट है 5.5 है और मिड पे 2.75। तो सिर्फ अगर हम सेल्फ वेट पे डिज़ाइन करते हैं तो हमें दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन मॉडलिंग है, क्लिक ऑन जर्नल, क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन, नाउ क्लिक ऑन लोड केस डिटेल, डेड लोड। यहाँ से हम सिर्फ मेंबर लोड को डिलीट कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन डिलीट है, क्लिक ऑन यस, और इसे दोबारा हम एनालाइज कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सेल्फ वेट पे एनालाइज हो जाएगा। नाउ गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड हेयर, क्लिक ऑन डन, क्लिक ऑन ओके हेयर, नाउ क्लिक ऑन बीम, क्लिक ऑन ग्राफ। तो 5.52 हमारा क्या रहा है, किलोन्यूटन पर मीटर का मोमेंट आ रहा है, 2.76 मिड में आ रहा है, 6.63 की शेयर फोर्स है जो हमारे पास कैलकुलेट होकर आई है वो, यानी कि जो हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया है वो एक्यूरेट मैच हो चुका है स्टेट की एनालिसिस से। सो गाइज, ये हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हम बात करते हैं स्टेट के रिपोर्ट की, रिपोर्ट किस तरीके से हम पढ़ते हैं। जो आउटपुट फाइल आई है इसकी, उसको मैं पढ़ना आपको बताता हूँ। नाउ हियर स्टेट आउटपुट फाइल, स्टेट आउटपुट पे जाएं आप, स्टेट आउटपुट में सबसे पहले हमने स्पेस पे क्लिक किया था गाइस। करते हैं अब स्टेट आउटपुट फाइल की। नाउ क्लिक ऑन स्टेट आउटपुट हियर, सो स्टेट प्रो वीएटआई सेलेक्ट सीरीज वर्जन दिस से बेंटले डेट एंड टाइम, यानी कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है सीरीज के बारे में कि इसमें डेट और टाइम किस टाइम में एनालाइज किया था, बेंटले सिस्टम का है।
नाउ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है स्टेट स्पेस, यानी कि सबसे पहले हमने जो क्लिक किया था वो स्पेस पे क्लिक किया था। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहले लेक्चर में आपको कंफर्म कर चुका हूँ, जो भी रिपोर्ट में आएगा जो हमने परफॉर्म टास्क किया है किस स्टेप में फॉलो किया है वही यहाँ पर रिपोर्ट बनकर आई है। स्टेट सबसे पहले स्पेस पे क्लिक किया था। इनपुट फाइल नेम फिक्स बीम एनालिसिस डॉट एसटीडी फाइल फॉर्मेट होता है स्टेट का। स्टार्ट जॉब इन्फॉर्मेशन इंजीनियर डेट दे रखा है, डेट जिस डेट में इसे एनालाइज किया गया है। एंड जॉब इन्फॉर्मेशन इनपुट विर्थ, ये बाय डिफॉल्ट एक विर्थ रहती है इस पेज की 79। यूनिट हमने मीटर किलो न्यूटन में ली थी क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन थी और जो हमारा 5 मीटर का बीम था और 12 किलो न्यूटन हमारे पर लोड था, तो हमने लोड और मीटर, लोड की जो यूनिट थी वो किलो न्यूटन थी और लेंथ की जो यूनिट थी हमारी 5 मीटर थी, इसलिए हमने यूनिट किस में रखी थी, मीटर किलो न्यूटन। जॉइंट कोऑर्डिनेट, जो पहले नोड का कोऑर्डिनेट है, जहाँ पहला नोड है उसका 0 0 है और जो दूसरा नोड है उसका 5 0 0 है, अगर इसे हमें देखना हो तो हमने मिनिमाइज किया। देन नाउ क्लिक ऑन मॉडलिंग हेयर, क्लिक ऑन ज्योमेट्री, और पहला नोड का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 है और सेकंड नोड का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 0 0 है। उसके बाद ऑप्शन दे रखा है मेंबर इंसिडेंस, तो मेंबर इंसिडेंस का मतलब है कि 1 1 2, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो पहले का मतलब है मेंबर, ये नोड है, ये दूसरा नोड है, यानी कि 1 1 2 एक मेंबर है 1 और 2 नोड के बीच में। अगर इसे देखना है आपको तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर आइए और शिफ्ट एन प्रेस कीजिए इसे, कि जिससे नोड डिस्प्ले हो जाएगा, और शिफ्ट बी, तो शिफ्ट एन से नोड डिस्प्ले होता है और शिफ्ट बी से बी मेंबर, तो 1 1 2, यानी कि ये मेंबर है और ये पहला नोड है और ये सेकेंड नोड है। शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तो इससे हाइड हो जाएगा और शिफ्ट एन से ही नोड डिस्प्ले हाइड हो जाते हैं। नाउ हियर डिफाइंड मटेरियल स्टार्ट आइसोट्रॉपिक कॉन्क्रीट, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना दे रखा है, पॉइजन डेंसिटी अल्फा फैक्टर दे रखा है, डैम्पिंग रेशियो दे रखा है, टाइप कॉन्क्रीट, स्ट्रेंथ एंड डिफाइंड मटेरियल, यानी कि जो हमने मटेरियल डिफाइन किया था। अब आप सोचेंगे हमने तो मटेरियल डिफाइन नहीं किया है, एक्चुअली जब हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी असाइन की है, जस्ट क्लिक ऑन जर्नल हेयर, क्लिक ऑन प्रॉपर्टी हेयर, नाउ क्लिक ऑन सेक्शन, जस्ट क्लिक ऑन एडिट, यहाँ मटेरियल हम बाय डिफॉल्ट क्या दे रहे हैं, कॉन्क्रीट। तो क्या करता है वो, रिपोर्ट में इस पूरे मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी है, जिसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, पॉइजन रेशियो हो या थर्मल कोफिशियंट हो, वो सब यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाता है। अगर इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी देखनी है तो नाउ क्लिक ऑन मटेरियल हेयर, नाउ क्लिक ऑन कॉन्क्रीट हेयर, क्लिक ऑन एडिट हेयर, सो देखेंगे आप कि जो भी मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या पॉइजन रेशियो है, डेंसिटी है, थर्मल कोफिशिएंट है, वो सब यहाँ से प्रिंट होकर रिपोर्ट में आया है जो हमने मटेरियल डिफाइन किया है। नाउ क्लिक ऑन मेंबर प्रॉपर्टी, मेंबर प्रॉपर्टी में हमने वाई डी 0.45, जेड डी 0.25 दिया है, कॉस्ट एंड मटेरियल कॉन्क्रीट है हमारा, सपोर्ट 1 और 2 नोड पे हमने फिक्स सपोर्ट लगाई है, लोड टाइप में हमने डेड लोड दिया ही है और टाइटल हमने डेड लोड लिखा था। उसके बाद उसने वार्निंग दिया, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिक्स्ड, यानी कि जितने भी हमने दोनों नोड को फिक्स कर रखा है इसलिए उसने ये कहा, इसमें कोई वो नहीं है। जस्ट सेल्फेट दे रखा है -1, लिस्ट ऑल, परफॉर्म एनालिसिस, इसमें कोई लोड डिफाइन नहीं है, जबकि हमने बीम को 12 किलो न्यूटन पर मीटर पर डिफाइन किया था, मगर क्योंकि मैंने उसे डिलीट कर दिया था, यहाँ पे आप देखेंगे लोड एंड डेफिनेशन में जाने के बाद, जस्ट क्लिक ऑन लोड, केस डिटेल, क्लिक ऑन डेड लोड, में डेड लोड में सिर्फ सेल्फेट है, तो यहाँ पर सिर्फ सेल्फेट है, अगर वो UDL होता तो UDL के बारे में भी प्रिंट होकर आता है यहाँ पर। सो नाउ परफॉर्म एनालिसिस का कमांड दी थी हमने, फिर स्टैट स्पेस, तो यहाँ पे दे रखा है प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स, नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 1 और 2 नोड है, यानी कि 2 जॉइंट है, नंबर ऑफ मेंबर 1 है, प्लेट इसमें नहीं है, सरफेस नहीं है, सॉलिड नहीं है, सपोर्ट 2 है, टोटल प्राइमरी लोड केस 1 है जिसमें डेड लोड है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 काउंट किया। नाउ फिनिश्ड, एंड ऑफ द स्टैट प्रो रन, डेट दे रखी है, टाइम दे रखा है। फॉर क्वेश्चन ऑन स्टैट प्रो प्लीज कॉन्टेक्ट बेंटले पार्टनर ऑफिसेज, अगर स्टैट प्रो के इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके सर।